तो गाइज आप इस डाई को लगाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करें, हाथों का इस्तेमाल ना करें। अगर आप हाथों से लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना ये डाई जो है कुछ इस तरह से हाथों पे लग जाता है और इसके बाद ये छूटता नहीं है, तो हाथों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो चलिए डाई को बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज जो हम डाई बनाने वाले हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाने वाले हैं। इससे हमारा डाई जो है वो प्रिपेयर होने वाला है और ये जो डाई है इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे जितने भी चीज़ें हमने यूज़ किए हैं वो तो आपके बालों को कलर करेगा ही, इसके साथ ही आपके बालों के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बाल टूटते झड़ते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो विंटर में आप इस डाई को ट्राई कीजिए। ये डाई जो है ये आपके बालों को ना सिर्फ कलर करेगा, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर से बचाएगा, बल्कि टूटने झड़ने से भी आपको ये बचाने वाला है। तो इसी डाई को आज हम प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कौन सी डाई है, किस तरह से बनाना है। तो वीडियो आगे अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही बेल का जो बटन है उसे हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है इसकी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें इस डाई को प्रिपेयर करने के लिए। तो इस डाई को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है बीट रूट। तो बीट रूट होता है वो विंटर में आसानी से मिल जाता है। आप फ्रेश बीट रूट ले लीजिए, इसे अच्छे से छील लीजिएगा, छील के इसे छोटे पीस करके इसे ब्लेंड कर लीजिएगा अच्छे से मिक्सर जार में। इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसे हम यूज़ करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं अपना डाई। तो यहाँ पे मैंने एक लोहे का बर्तन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1 कप पूरा भर के पानी। तो जितना भी आपको डाई बनाना है उससे आपको दुगना यहाँ पे पानी लेना है। तो हमने यहाँ पे 1 कप जितना पानी ले लिया है। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑन कर दे रहे हैं। अब हम इसमें सबसे पहली चीज़ जो डालने वाले हैं वो है आंवला। तो आंवला भी मैंने यहाँ पे फ्रेश लिया था, फ्रेश आंवला लेके इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ 4 से 5 आंवला होंगे, इसे मैंने लेके अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसे हम यहाँ पे डाल देंगे। नॉर्मली हम अपना डाई प्रिपेयर करने के लिए आंवला पाउडर यूज़ करते हैं, बट अभी विंटर में आपको फ्रेश आंवला मिलेगा, फ्रेश बीट रूट मिलेगा, इससे आप अपना डाई प्रिपेयर कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, ये बालों को कलर भी करेगा और इसके साथ बालों को बढ़ने में भी मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बीट रूट को ब्लेंड कर लिया था इसमें हमने पानी नहीं डाला है, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इन दोनों को डाल के हम एक साथ पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आंवला डाल दिया है, बीट रूट डाल दिया है। दोनों ही आपके बालों के ग्रोथ के लिए, रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बाल अगर टूटते झड़ते हैं उसके लिए भी ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो इन दोनों को हमें पकाना है। तो यहाँ पे हमने 1 ग्लास इतना पानी लिया था। आपको जितना भी डाई प्रिपेयर करना है उससे दुगना आपको पानी लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर पानी जो है वो आधा करने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका कलर जो है अभी थोड़ा सा बरगंडी जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बीट रूट डाला है। अब ये बॉईल जब होना शुरू हो चुका है अच्छे से, तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून जितना यहाँ पे डाल रही हूँ कॉफ़ी। अगर आपको ब्राउन कलर चाहिए तो आप कॉफ़ी डालिएगा, अगर आपको बरगंडी कलर चाहिए तो आप यहाँ पे चाय पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। चाय पत्ती की वजह से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा रेडिश होगा, तो आपको रेड कलर मिलेगा, यानी कि बरगंडी कलर मिलेगा आपको बालों में। लेकिन अगर आपको थोड़ा ब्राउन चाहिए, डार्क कलर चाहिए, तो आप यहाँ पर कॉफ़ी ऐड कर दीजिएगा। तो अब हम इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये हमारा डाई जो है वो आधा ना हो जाए, यानी कि 1 ग्लास पानी से कम आधा ग्लास ना हो जाए, तब तक हम इसे बॉईल करते रहेंगे। तो ये मेरा बन चुका है, अब मैं यहाँ पे इसे ढक के छोड़ दूँगी रात भर के लिए। गाइस इस डाई को आपको मिनिमम 8 से 10 घंटे इसी कढ़ाई में छोड़ना है, ताकि ये थोड़ा सा और जो इसका कलर है वो गाढ़ा हो सके। तो यहाँ पे मैंने इसे रात भर छोड़ दिया था। ये देखिए, ये कुछ हमारा डाई इस तरह से दिखता है, लेकिन अभी ये प्रिपेयर नहीं हुआ है, इसे हम इस तरह से नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा डाई इस तरह से तैयार हो जाएगा। लोहे कढ़ाई में बनाने से फ़ायदा ये होता है, जो इसका कलर होता है वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि जो आंवला होता है वो थोड़ा सा और ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से ये बालों पे नहीं लग सकता है, तो हमें यहाँ पे इसे स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारा डाई होगा, और इसे आप जिस तरह से नॉर्मल डाई लगाते हैं आपको उसी तरह से लगाना है। आपको इसे आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक बालों में रखना है, चाहे तो 1 घंटे तक भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पानी मिला है इसे ले आपको अपने बालों पर लगाना है।
तो गाइज़ ये जो कॉन्कॉक्शन हमें मिला है, आप चाहें तो आप इसे नॉर्मल जो आप हीना लगाते हैं या मेहंदी लगाते हैं बालों में, आप उसमें भी ये पानी का यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपके हीना का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहते हैं आपका जो हीना है वो ऑरेंज कलर का ना हो, ब्राउन हो या रेड हो, तो आप इस तरह से ये पानी उसमें डाल के मिला के लगा सकते हैं। तो इस कॉन्कॉक्शन को आप चाहें तो एज अ डाई यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिना में इसे मिला के अपने हिना को भी अच्छा सा कलर दे सकते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।